सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्धजनों का सही ढंग से जीवन यापन हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि बहराइच जिले के ब्लॉक पखरपुर के ग्राम पंचायत सिपाहिया उलास गांव में वृद्धा पेंशन न बनने के कारण लक्ष्मी नारायण सहित 12 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 74 साल की उम्र हो गई आते के पेंशन मान नहीं बन पाई, तो पेंशन चाहिए थे बन जाए, गरीबी से कपड़ा लगता, दुनियादारी कोई खर्चा नहीं चलता है, क्या दवा इलाज सब का है, से पैसा नहीं है, कैसे हुआ? इस समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया? हाँ प्रयास किया, प्रधान कहे पासबुक दिन, पहचान पत्र दिन, कुछ नहीं, वापस हो गए। क्या कहे प्रधान? 6 महीने के बाद कहने रे बन जाए, आज तक नहीं बनी, 2 प्रधानी 3 बीती गई। आपकी क्या समस्या? अरे हाई समस्या कहा है, मांदे हारे रहे थे, कोई ना पैसा है ना कौड़ी है, और ना हमें थे पैसे कौड़ी है, तो हम दवाई कर ली, कोई सुनता ही नहीं, तो की कहे प्रधान सबके चिरौरी की कोई नहीं बनवाए दिन है, तो बोला तुम्हें नेकी हमारे करो तो तुम्हें बनवाए दियो। तो प्रधान से कहा रहा तो कह मैंने पासबुक ले गए हमारे और फोटो ले गए, तो कुछ जाने नहीं पावा आता लोग। तबीयत ठीक नहीं रहते और तुम बीमारे पड़े रहते हर वक्त, दवाई कहाँ से आवे, पैसा है नहीं। आपका वृद्धा पेंशन बना है? नहीं बना है, वो बना हुआ तो तकलीफ ना हुआ तो कुछ, बनाना है तो है तो परेशानी है, दवाई पानी धार का है उससे सब का है, परेशान है। तो पेंशन बनवाने के लिए कोई प्रयास किए? बहुत किए हैं लेकिन कोई नहीं सुना थे, प्रधान प्रधान कोई नहीं सुना थे, तो कहा करी कहाँ थे बिल्कुल। मैं और मेरा समुदाय चाहता है इन सभी वृद्धजनों का वृद्धा पेंशन बने ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग बहराइच जिले के समाज कल्याण अधिकारी जिनका मोबाइल नंबर 94-12-0-11-11-2 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।